11 दिसंबर नैब ने पैरागन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जमानत मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट से हिरासत में ले लिया। 18 दिसंबर रेडियो टेलीविजन और फिल्मों के मारूफ अदाकार अली एजाज दिल का दौरा पड़ने से 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 24 दिसंबर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद बामशक्क़त और भारी जुर्माने की सजा जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया गया। 25 दिसंबर MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी कातलाना हमले में जाँ बहक। 28 दिसंबर वज़ारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जाली अकाउंट्स केस में 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल।